दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। 14 अप्रैल को ये लॉकडाउन खत्म होना है। ऐसे में कम से कम आधा दर्जन राज्यों ने 6 अप्रैल को अपना मूड से तो ये जता दिया है कि लॉकडाउन को वो पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड वो राज्य हैं जिन्होंने इशारा कर दिया है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को अचानक खत्म नहीं हो जाएगा। ये वो राज्य भी हैं जिनमें देश भर के कोरोना मरीजों का एक तिहाई हिस्सा मौजूद है। अब क्या क्या कहा है किस राज्य ने? तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि देश के खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकना मुश्किल होगा। मैं 15 अप्रैल के बाद भी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पक्ष में हूँ क्योंकि हम आर्थिक समस्याओं से तो उबर सकते हैं लेकिन हम जीवन नहीं लौटा सकते, हम लोगों की जान नहीं लौटा सकते हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश का एकमात्र हथियार लॉकडाउन है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरी तरह लॉकडाउन न हटाने की बात कही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुंबई और पुणे में खास ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वहां से केस लगातार बढ़ रहे हैं। किसी को इसकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। असम। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कमोबेश लॉकडाउन के पक्ष में ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा हमें उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो असम आना चाहते हैं। अस्थायी तौर पर हमें ILP जैसा कुछ उपाय करना होगा चाहे वो स्थानीय निवासी ही क्यों ना हो। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने इनर लाइन परमिट की भी बात कही है। ये वो दस्तावेज है जो बाहरी लोगों के लिए तब जरूरी होता है जब वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम जाना चाहते हैं। हाल ही में मणिपुर भी इस व्यवस्था में शामिल कर दिया गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर हजारों लोग एक साथ असम आ गए तो उन्हें क्वारंटीन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लोगों को थोड़ी थोड़ी संख्या में ही परमिशन मिलेगी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में लॉकडाउन तुरंत खत्म ना करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों से कुछ और समय तक इंतजार करने को कहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में तबलीगी जमात से जुड़े 159 मामले सामने आ चुके हैं। इस उछाल को देखते हुए राज्य को आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजस्थान। राजस्थान ने कमेटी बनाई है जो हाई रिस्क जोन को सील रखने और बाकी जगह लॉकडाउन में ढील देने का फैसला करेंगे। झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन तभी हटेगा जब सरकार को लगेगा कि स्थिति में सुधार है और मामले कंट्रोल में होंगे, नहीं तो हम धीरे धीरे ही इसे हटाएंगे। झारखंड सीएम का कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तुरंत कम से कम 6 लाख मजदूर झारखंड वापस आएंगे। हालांकि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आबादी घनी नहीं है, हमें इन इलाकों में कोरोना को लेकर खूब जागरूकता फैलानी पड़ेगी, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश। हालांकि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन तय समय पर ही खुल जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है। चौहान ने कहा है कि इसकी संभावना ज्यादा है कि 14 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन समाप्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 14 अप्रैल के बाद इंटर स्टेट यात्राओं को मंजूरी देने के बारे में उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। बघेल ने पीएम को लिखा कि अगर 14 अप्रैल के बाद ट्रेन, बस और हवाई यात्रा से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगेंगे तो इससे बात का खतरा ज्यादा है कि इससे कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा। इससे छत्तीसगढ़ में भी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। ऐसे में अभी देखना है कि 14 अप्रैल के बाद इन राज्यों समेत देश भर में लॉकडाउन की क्या रणनीति रहती है। इन राज्यों का मूड माहौल देखकर तो यही लगता है कि कम से कम इन आधा दर्जन राज्यों में लॉकडाउन पूरी तरह 14 अप्रैल को खत्म नहीं होने जा रहा है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।